डेफिनेटली ड्यू थी मेरे ऊपर और यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि अप एंड डाउन होते रहते हैं और मेरे ख्याल से जितना आप इसे सीखते हैं और बिल्कुल स्पोर्ट थी और माइंडसेट क्लियर था मेरा और यही था अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया और जिसना मेरी और रजी की पार्टनरशिप लगी आउटस्टैंडिंग थी। देखिए जी, अब मैं इस चीज़ को क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता, क्रेडिट दूंगा मैं मिर्जा भाई को, वकार भाई को, शायद असलम को, कप्तान को, क्योंकि जब एक मैनेजमेंट आई तो उन लोगों ने मुझे बैटिंग ऑर्डर वो दी जिसकी वजह से मुझे वो शूट कर गए, वो पूरे साल में अलहमदिल्ला ने परफॉर्म करा दिया। देखिए जी, जब आपके साथ क्रीज पे वर्ल्ड नंबर वन मौजूद हो तो आपको मुख्तलिफ चीज़ों को देखने पर नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास जो मौजूद है उसी को देखना चाहिए, उसी को अप्लाई करना चाहिए। तो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी दरमियान जो हमारी कम्युनिकेशन है, हम टारगेट करते हैं, हम सिंगल लेते हैं, हम फील्डर को टारगेट करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ टारगेट करते रहते हैं जिसमें हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ होती है और इसकी वजह से अल्लाह पाक हम इतना अचीव करा रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से काफ़ी मेरे ख्याल से खुशाइन बात है मेरे लिए कि मेरे पास इतना टैलेंटेड क्रिकेटर है और प्लेयर, और सबसे अच्छी चीज़ है इंसान बहुत अच्छे हैं और सब इनको देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबको जोड़ के रखा हुआ है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से एज अ टीम, एज अ ग्रुप हमारे लिए काफ़ी अच्छी है कि हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह रिजवान भाई ने अपनी गेम को इम्प्रूव किया, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपना बिलीव जो इम्प्रूव किया वो मेरे ख्याल से सबके सामने, और जिस तरह एक साल एक वन ईयर कैलेंडर में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन किए, मेरे लिए तो काफ़ी खुशाइन मंद और ऑनर है मेरे लिए। देखें, ये मेरा क्रेडिट जाता है टीम को और प्लेयर्स को जिस तरह वो एफर्ट कर रहे हैं, जैसे उनमें बिलीव आया। मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस लेवल, जितना आप टीम को कॉन्फिडेंस देते हैं उतना टीम अच्छी परफॉर्म करती है और बैक बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल हुई है और जिस तरह लड़कों को बैक मिली है, जिस तरह लड़कों में कॉन्फिडेंस आया है, बिलीव आया है कि हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम में हर प्लेयर मैच विनर है, तो वो चीज़ उनमें डाली है कि भाई आप मैच विनर हो, तो आप देख लें जो भी बैट्समैन बॉलर जिसके हाथ में। और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा ये बताया जाता है कि जिसके हाथ में जो चीज़ आए वो फिनिश करके आए। देखिए जी, आप अभी सामने खड़ा है और उसके बारे में सवाल कर रहे हैं, मगर मैं आपके ऑब्वियसली कहता हूँ कि सबसे अहम रोल कप्तान का होता है किसी टीम को जुड़ने में। ऑब्वियसली इसमें कोई दोराय नहीं है कि हमारे फास्ट बॉलर्स हमें फ़ायदा दे रहे हैं, हमारे स्पिनर्स हैं, हमारे और भी बैटर्स हैं, अलमा हमारी टॉप पर जा रही है, मगर जितनी भी आप कप्तान को देखिए सारी टीम को जुड़ा हुआ है, सबसे आजिज़ है, सबसे हम्बल है, जिसकी वजह से सारे लड़के मोहब्बत करने लगे एक दूसरे से। जब मोहब्बत होती है, टीम टुगेदर होता है, तो अल्लाह की तरफ से मदद आती है, उसी मदद को से अल्लाह पाक हमें टॉप पर लेके जा रहा है।